लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी को विदाई दी। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने अपने प्रवचन में पीएमओ अधिकारियों के साथ उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। पीएमओ के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, एनएसए अजीत डोभाल, अतिरिक्त प्रधान पीके मिश्रा और सचिव भास्कर खुलबे समेत पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में संपन्न आम चुनाव में अपनी शानदार जीत के साथ प्रधानमंत्री को विदाई दी। प्रधानमंत्री ने पिछले 5 वर्षों में पूरे पीएमओ के प्रयास और समर्पण की सराहना की और सभी से भारत के लोगों की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए और भी अधिक मेहनत करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें टीम पीएमओ को अत्यंत काम करने की ऊर्जा प्रदान करती है। अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य के योगदान को स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल उनके लिए सीखने का अनुभव रहा। उन्होंने पीएमओ के अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को भी शुभकामनाएं दी। बिखरे हुए फूलों के माला बनाने का और धागे के रूप में न जान न पहचान, उसके बावजूद भी माला की शोभा बढ़ाने वाले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी पे पीएम दिखता है, अखबार में पीएम दिखता है, बधाइयां भी पीएम के खाते में जमा होती है, लेकिन जब तक कोई टीम नहीं होती है और समर्पित टीम नहीं होती है, तब तक सपने कितने ही बहुत सुहाने हो, संकल्प कितने ही दृढ़ क्यों न हो, इरादे कितने ही नेक क्यों न हो, परिणाम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोगों ने अनुभव किया है कि देश में जो हमसे अपेक्षाओं का प्रेशर बढ़ा, उसने बोझ नहीं बना, वो एक ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। आपने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया होगा कि आप भी पहले की तुलना में जिस प्रकार से काम करते हुए एक नई ऊर्जा में परिवर्तन आया होगा। वो ऊर्जा आई कहां से? कभी हमारे यहां शायद अलजिब्रा में पढ़ाते थे, a+b (square). अब उसको जब खोलते थे तो कहते थे a² + 2ab + b². ये 2ab कहां से आया? a² + 2ab + b² ये 2ab कहां से आया? ये जो 2ab एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई उस ब्रैकेट में से, ये विश्वास के ब्रैकेट में से एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई, जिस एक्स्ट्रा एनर्जी ने हमें अधिक काम करने की ताकत दी, फैसले लेने की जिम्मेवारी लेने का एक ऊर्जा बढ़ा दी, विश्वास ने एक नया रूप धारण कर दिया। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने कई मंत्री देखे हैं, लेकिन मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने आपको देखा है। क्योंकि मैं दूसरे ग्रह से ही आया हूं, लेकिन आपने कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया, कभी काम का बोझ मेरे तक आने नहीं दिया। आप लोगों के विचार, आपके सुझाव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी न कभी मेरे पास पहुंचे हैं, जिसने मुझे एक ताकत दी है। तो एक प्रकार से मैं और मेरी सफलता के पीछे या मेरे जीवन के संतोष के पीछे कोई एक चीज है, वो है मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता। मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखता हूँ।